पुणे के एक्सीडेंट के बाद नागपुर में 25 फरवरी को हुए एक्सीडेंट का मामला तूल पकड़ने लगा है। पुणे की तरह इस मामले में भी कार्रवाई की जाने की मांग अब हो रही है। मामले में और आरोपियों को गिरफ्तार करने की संभावना सरकारी वकील रश्मि खापड़े इन्होंने जताई है। 25 फरवरी को आधी रात में रामझूले पर एक तेज रफ्तार कार ने दो युवकों के बाइक को टक्कर मारकर उड़ा दिया था। इस मामले में दोनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई थी। मामले में आरोपी रितिका मालू पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का भी आरोप हुआ और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर भी कई सवाल उठाए गए। पुणे की घटना के बाद अब यह मामला टूल पड़ने लगा है। इस मामले में भी कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। इस मामले पर शुक्रवार को कोर्ट में बहस हुई है, जिसमें याचिकाकर्ता ने कई मांगे रखी है। इस मामले में सरकारी वकील रश्मि खापड़े ने पैरवी की, जिसमें उन्होंने कहा कि कोर्ट ने आरोपी के गिरफ्तार पूर्व रिहाई को नकारा है। प्रसिद्ध रितु मालू केस ने रितु मालू या आरोपी ने माननीय जिला व सत्र न्यायालय श्री भोसले पाटिल साहब इनके कोर्ट में अटक पूर्व जामीन की अर्जी दाखिल की थी। प्रोसिक्यूशन के ओर से हमने कस्टडी की मांग की थी और इस केस में और आरोपी ऐड होने की भी संभावना हमने व्यक्त की थी और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए आरोपी की कस्टडी हमको किस तरह आवश्यक है ये प्रोसिक्यूशन ने खास तौर पे कोर्ट में आर्ग्यू करते समय कोर्ट के सामने पेश किया था, जिसके चलते माननीय सत्र व जिला न्यायाधीश नागपुर श्री भोसले पाटिल साहब इन्होंने रितु मालू इनकी अर्जी खारिज की है। इस मामले में तहकीकात करने वाले पुलिस अधिकारी ने शुरुआत से जानकारी दी है कि मामले की जांच में किसी तरह की कोताही नहीं बरती गई है। वक्त वक्त पे कोर्ट के आदेश अनुसार कार्रवाई की गई है। दिनांक 25 फरवरी 2024 रोजी मध्यरात्री 1:30 ते 2 सुमारास रामझुला ब्रिज येथे एका काळ्या रंगाच्या मर्सिडीज गाडीने टू व्हीलर ॲक्टिवावरून जाणाऱ्या दोन इसमांना धडक देऊन अपघात करून त्यांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरले होते। सदर प्रकरणी प्रथमदर्शनी 304 अप्रमाणे गुन्हा दाखल झालेला होता, CR 122/24। सदर प्रकरणाचा सखोल तपास करत तहसील पोलीस स्टेशनमार्फत जे दोषी चालक वगैरे आहेत त्यांची वैद्यकीय तपासणी करून पुरावे प्राप्त करण्यात आले होते व सदर प्राप्त पुराव्यांच्या आधारे सदर गुन्ह्याचा तपास कामी 304 पार्ट 2 प्रमाणे कलमवाढ करण्यात आली होती व त्याबाबत माननीय न्यायालयास अवगत करून सदर गुन्ह्यातील आरोपीला गुन्हा घडल्यानंतर अटक करून माननीय न्यायालयात हजर केलं होतं। तो जो जामीन आहे तो रद्द करण्याबाबत माननीय न्यायालयाकडे अर्ज सादर करण्यात आला होता। मीनवाईल आरोपी हे अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयात अप्रोच झाले होते। सदर प्रकरणात आम्ही माननीय न्यायालयात वेळोवेळी पाठपुरावा घेऊन सदर गुन्ह्यातील आरोपींचा जो अटकपूर्व जामिनाचा अर्ज होता तो रद्द करण्यास विरोध केला होता व काल दिनांक रोजी माननीय न्यायालयाने सदर प्रकरणातील आरोपीचा अटकपूर्व जामिनाचा अर्ज रद्द केलेला। सदर गुन्ह्यातील आरोपीचं नाव रितिका दिनेश मालू राहणार वर्धमान नगर असे आहे। सदर प्रकरणात माननीय न्यायालयाने आरोपीचा अटकपूर्व जामिनाचा अर्ज रद्द केलेला आहे। सदर प्रकरणी आम्ही पुढील योग्य ती कायदेशीर कारवाई करीत आहोत। इस मामले में हमारे संवाददाता ने समाज सेवक और मृतकों के परिजनों से बात की है, देखते हैं उनका क्या है कहना। अभी पुणे के कल्याणी नगर की रिसेंटली एक घटना है जहां एक बड़े पैसे वाले बाप के लड़के ने अपने नाबालिग लड़के ने अपने पोर्शो कार से दो लोगों की एक्सीडेंट में डेथ कर दी गई। इतना ट्रोल हो रहा है, इतना फेमस हो रहा है, लेकिन इसके पहले भी नागपुर में 25 फरवरी को इसी तरीके की दो महिलाओं ने नशे में धुत दो महिलाओं ने राम मंदिर पुलिया के सामने में दो बालिकों को अपने कार से उड़ा दिया था। उस चीज को आज कम से 90 दिन होते आए हैं लेकिन उनके परिजनों को अब तक के कोई भी न्याय नहीं मिला है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि उसके तर्ज पे आज जो नागपुर में होने वाला है, आज उनके 90 दिन चार्जशीट डायर होने वाली है। तो कुछ प्रत्यक्षदर्शी और कुछ फैमिलियर हमारे साथ में, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पूरा मामला था, किस तरीके से अभी वो न्याय की गुहार लगाते हैं। तो आइए जाना हुई थी क्या आपका पूरा जानकारी। ये घटना आज से ठीक 3 महीने पहले फरवरी में राम झूले पे दो अमीरजादी घर की लेडी से दो महिलाओं ने मर्सिडीज बेंज से रात में पब से दारू के नशे में दो होनहार बच्चों को हमारे समाज के उछल डाला और दोनों की एक की स्पॉट पे जान गई, एक की दूसरे दिन मेडिकल में जान गई थी। और इसमें ये हुआ था कि उस दिन तो उसको अरेस्ट कर दिए थे लेकिन 10 दिन के भीतर में उसकी बेल 10 घंटे के भीतर में उसकी बेल हो गई थी और बाद में उस पर 304A से 304 हुआ लेकिन उसके बाद से उसको अरेस्ट भी नहीं किया
और हमारा यह एक सवाल था देवेंद्र फडणवीस जी से, जो कि आज पुणे में ये वारदात होती है, सेम वैसे ही रिपीट होता है, एक अमीर ज्यादा लड़का पोस्ट गाड़ी से दो एक लड़की और एक लड़के को उड़ाकर सेम उसी तरीके से डेथ हो गई, तो उस पर आज देवेंद्र जी ने बहुत इनिशिएटिव लिया, वहाँ के पुलिस वालों से मीटिंग कर रहे हैं, सीपी से मीटिंग कर रहे हैं, प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा होए, और उनके जो जिसके घर के बच्चे की डेथ हुई है उनके घर वालों को सिंपथी दे रहे हैं। वही सेम चीज़ नागपुर में हुई थी, तो नागपुर में तो उनने एक ट्वीट भी नहीं किया था, एक स्टेटमेंट भी नहीं दिया था, ये बड़ी दुख की बात है। जबकि देवेंद्र जी आज राष्ट्र के सीएम है, डीसीएम है, और नागपुर से आते हैं, नागपुर ही उनकी जन्मभूमि है, लेकिन उनमें नागपुर में कोई भी दुख नहीं जताया था। सर देखा जाता है कि जो महिलाएं थी जिनको उस दिन जिन्होंने एक्सीडेंट किया था, उनकी गाड़ी से कुछ नशीली पदार्थ कुछ उस समय होने के बीच वहाँ पे सिम्टम्स मिले थे, क्या पूरी जानकारी उसके बारे में? इसकी जानकारी तो आपको पुलिस भी देंगी कि वहाँ पे जब स्पॉट पे उनकी दारू की केन उसकी गाड़ी से बरामद हुई थी, और उसका हस्बैंड जब उसको लेने आया था उसने दारू की केन नीचे भी फेंका था, जो भी हमने वो भी पुलिस वालों को दे दिया था। हमारा सवाल ये, यहाँ के जो बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोगों के संपर्क में जो नेता है उनसे, कि वो नेताओं ने उस टाइम क्यों नहीं बोला जिस प्रकार से अभी पुणे की घटना पे बोले? कुछ नशीली पदार्थ कुछ उस समय होने के बीच वहाँ पे सिम्टम्स मिले थे, क्या पूरी जानकारी उसके बारे में? इसकी जानकारी तो आपको पुलिस भी देंगी कि वहाँ पे जब स्पॉट पे उनकी दारू की केन उसकी गाड़ी से बरामद हुई थी, और उसका हस्बैंड जब उसको लेने आया था उसने दारू की केन नीचे भी फेंका था, जो भी हमने वो भी पुलिस वालों को दे दिया था। हमारा सवाल ये, यहाँ के जो बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोगों के संपर्क में जो नेता है उनसे, कि वो नेताओं ने उस टाइम क्यों नहीं बोला जिस प्रकार से अभी पुणे की घटना पे बोल रहे हैं? पुणे की घटना पे लगातार कोई ना कोई बड़े नेता की प्रक्रिया आ रही है। और हमारा ये भी सवाल है उप मुख्यमंत्री से, कई मालू और साढ़ा से आपके पारिवारिक या व्यवहारिक संबंध तो नहीं है, इसलिए आप खामोशी थे, और अभी जो पुणे का मामला हुआ इस पे आपकी बड़ी प्रक्रिया आ रही है और बड़ी आप सिंपत्ति जता रहे हैं। अभी हमारे साथ में उनके परिजन भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं उन्होंने किस तरीके से जद्दोजहद की थी, लेकिन अब तक के उनको कुछ भी न्याय नहीं मिला है। अब आगे आज चार्जशीट दायर होना है, तो उनका क्या एक कानून से अपील रहेगी कि जानने की कोशिश? सर मैंने जो 25 फरवरी की जो घटना घटी थी, घटना के दूसरे दिन प्रशासन और हमारे शहर के बड़े पॉलिटिशियंस जैसे गडकरी साहब और फडणवीस साहब, इन लोगों से गुहार किया था मदद की कि मुझे इंसाफ दिलाइए। इन लोगों ने मुझे इंसाफ तो नहीं दिलाया, लेकिन ये इन्होंने सिद्ध कर दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ दोषियों का साथ दे रहे हैं, और दोषियों का साथ इस तरह से दिया इन्होंने कि जिस तरीके से वो पूना में आज एक्टिव है, और जिस तरह से उन्होंने दोषियों को उनके उनके एक्टिव रहने की वजह से दोषियों को आज सजा मिली है पूना, वही वैसा ही एक्टिव अगर डीसीएम साहब नागपुर में रहते उतना ही नागपुर की घटना में अगर प्रतिक्रिया देते तो शायद आज मुझे इंसाफ मिल गया रहता। 3 महीने हो गए साहब, मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला है। और इसमें विशेष तौर पर आपको मैं बताऊंगा कि घटना के दूसरे दिन हमारे परिजन एरिया पुलिस स्टेशन गांधीबाग तहसील में बहुत एग्रेसिव हो गए थे। वहाँ हमको वहाँ के PI साहब बुआ साहब ने ये आश्वासन दिया था कि आप लोग सहयोग कीजिए, आपको न्याय मिलेगा। आज बुआ साहब से भी मैं कहना चाहता हूँ, बुआ साहब क्या आप प्रशासन का हिस्सा नहीं है? क्या वो पुलिस वाले पूना में जो आज कार्रवाई कर रहे हैं वो प्रशासन का हिस्सा नहीं है? तो आपने वैसी वर्किंग क्यों नहीं किया? आपको जब अल्कोहलिक टेस्ट रिपोर्ट आपने हमको बताया 10 दिन बाद आई वो रिपोर्ट, चलो 10 दिन बाद भी आई, 10 दिन बाद आने के बाद आपने उन पर क्या कार्रवाई किया? आज तक के वो अरेस्ट नहीं हुए। मैं बस प्रशासन से सवाल है मेरा कि मुझे न्याय क्यों नहीं मिला? प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए परिजन यहाँ पर है, जिन्होंने प्रत्यक्षदर्शी देखा, उन्होंने भी कई तरीके के सवाल यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस हो या फिर नितिन गडकरी जी हो जो आज एक्टिव है उनके ऊपर में लगाते हुए देखा है। देखते हैं आने वाला समय किस तरीके का न्याय प्रत्यक्षदर्शी को दिलाता है। अखिलेश भारद्वाज, NBC न्यूज, नागपुर। एक्सीडेंट के मामलों में लोगों की भावनाएं तीव्र है, लोग आरोपियों को घटना के बाद खुद ही न्याय देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में पुणे में हुए एक्सीडेंट के बाद इस मामले में भी कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। NBCN न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।